भारत दुनिया भर में अपनी संस्कृति, पाक शैली और विविधता के लिए जाना जाता है। भारत आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को कई ऐसी चीज़ें भी दी जिससे लोगों का जीवन सुगम बना। भारत ने दुनिया को महान आविष्कारक भी दिए हैं और इन्हीं में से एक हैं नरेंद्र सिंह कपानी। हो सकता है कि आज बहुत से लोग इनके नाम को न जानते हो, लेकिन आज जो हम एक दूसरे से मीलों दूर होकर भी एक दूसरे से जुड़े हैं वो इन्हीं की देन है। नमस्कार, मैं हूँ शायना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आप अपने दोस्त या परिवार को दूर रहते हुए इंटरनेट के जरिए जुड़ ना सकें, या फिर आज छोटे छोटे कामों के लिए काम आने वाला ईमेल का इनबॉक्स ही खाली हो, या फिर कोई शॉपिंग वेबसाइट ही ना हो, ना ही कोई सोशल मीडिया। जाहिर है जब इंटरनेट की दुनिया नहीं थी तो सारी चीज़ें संभव भी थी, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स के आने के बाद वेब, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, संचार और मेडिकल की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। नरेंद्र सिंह कपानी पंजाब के मोगा में जन्मे एक भौतिक विज्ञानी थे। दुनिया भर में इन्हें ऑप्टिक्स फाइबर का जनक माना जाता है। वे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत और विशेष रूप से पंजाबियों को दुनिया में गर्व और पहचान दिलवाई। उनकी एक और अनूठी विशेषता यह थी कि वे एक आउटस्टैंडिंग मूर्तिकार होने के साथ साथ कला और विज्ञान का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन थे। बहुत कम महान लोग होते हैं जिनके पास साइंटिफिक और आर्टिस्टिक दोनों गुण होते हैं, क्योंकि इन दोनों गुणों का आपस में कोई मेल नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी का जन्म 31 अक्टूबर 1926 को मोगा में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन स्कूल जाते समय मोगा की गलियों में बिताया। भारत में जन्मे और इंग्लैंड में शिक्षित डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी ने अपना आधा जीवन संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताया। वे एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। फॉर्च्यून द्वारा उनके सेंचुरी इशू के व्यापारियों में 7 अनसंग हीरोज में से एक के रूप में उन्हें नॉमिनेट किया गया था। उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स के पिता के रूप में भी जाना जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स शब्द 1956 में सिंह कंबानी द्वारा ही गढ़ा गया था। फाइबर तार का उपयोग कई कंपनियों द्वारा टेलीफोन, इंटरनेट और केबल नेटवर्क के लिए किया जाता है। इस तार के परिणाम बहुत अच्छे हैं। आधुनिक तकनीक के युग में यह और भी महत्वपूर्ण है। वह संचार, लेजर, बायोमेडिकल, इंस्ट्रूमेशन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी में माहिर है। उसके पास 100 पेटेंट थे। उन्होंने 4 पुस्तकें और 100 पत्र प्रकाशित किए हैं। उनके बाद इस फाइबर तार में और एडवांस खोजें की गई हैं, लेकिन उन सभी खोजों का आधार नरेंद्र सिंह कपानी की खोज है। वह एक पूर्व IOFS अधिकारी रहे। भारतीय आयुध कारखानों सेवा यानी IOFS भारत सरकार की एक सिविल सेवा है। IOFS अधिकारी राजपत्रिक ग्रुप ए रक्षा नागरिक अधिकारी हैं जो रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। वे भारतीय आयुध कारखानों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं जो भारत को प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। वह अमेरिका के इन्वेंट्री काउंसिल, यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे। उन्हें 1998 में पैन एशियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड 2000 से भी सम्मानित किया गया था। फॉर्च्यून पत्रिका के 12/11/1999 अंक में उन्हें 7 अनसंग हीरोज में बिजनेस ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था। वे ब्रिटिश रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ऑप्टिकल, अमेरिका की सोसाइटी और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस सहित कई वैज्ञानिक संस्था के एक अंतर्राष्ट्रीय साथी हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सांता बारबरा और कई अन्य यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे स्टूडेंट की क्लास लेते थे और अपने रिसर्च वर्क का नेतृत्व और सुपरविजन करते थे। उन्हें NRI सम्मान भी मिला। वे संयुक्त राज्य में सिख फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सांता बारबरा विश्वविद्यालय में सिख अध्ययन की शुरुआत अपनी माँ की याद में $3,50,000 दान देकर करवाई थी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी अपनी विरासत के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। आमतौर पर अधिकांश युवा अपनी मिट्टी को छोड़ते ही जहां अपनी पहचान बदल लेता है, वहीं कपानी आखिर तक पूर्ण गुरसिख बने रहे। उन्होंने स्वयं सिख संग्रहालय की स्थापना के लिए भुगतान किया था। सिख संस्कृति से संबंधित वस्तुएं जो पंजाबी वीरता और विरासत की कला का काम करती है का प्रदर्शन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किया। वे खुद एक अच्छे चित्रकार और मूर्तिकार थे। उन्होंने $5,00,000 की मदद के साथ सैन फ्रांसिस्को में एशियाई संग्रहालय की स्थापना की, जिसमें सिख संस्कृति से संबंधित कला को सहेज के रखा गया। उन्हें खुद भी अपनी विरासत और उससे जुड़ी चीज़ों को सहेजना काफ़ी पसंद था। मार्च 1999 में उन्होंने लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, सैन फ्रांसिस्को में एशियाई कला संग्रहालय और मई 2000 में कैनेडा के रॉयल ऑन्टेरियो संग्रहालय में अपने खर्च पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया।
वास्तव में वे पंजाबी और विशेष रूप से सिख विरासत में रुचि रखते थे। उन्होंने 1960 में खुद ऑप्टिक टेक्नोलॉजी बिजनेस की स्थापना की, जिसके वे अध्यक्ष बने। वे 12 सालों तक इसके डायरेक्टर रिसर्च भी रहे। 1967 में कंपनी ने अन्य देशों में अपनी पहुंच का विस्तार किया। इसी तरह 1973 में एक कंपनी कैप्ट्रॉन का गठन किया, जिसमें वे 1990 तक सीईओ और प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 1990 में ये कंपनी AMP INC को बेच दिया। उसके बाद वे 9 साल तक इस कंपनी के फेलो भी रहे। फिर ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए एंटरप्रेन्योर और टेक्निकल एक्सपर्ट प्रोग्राम एवं हेड ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट भी थे। इसके बाद उन्होंने एक और कंपनी K2 ऑप्ट्रॉनिक की स्थापना की। फाइबर ऑप्टिक तार के जनक डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी का अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के बे एरिया में निधन हो गया। डॉक्टर कपानी के जाने के साथ विज्ञान का एक युग का अंत हो गया। अपने जीवन के 94 साल उन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को एक साथ बांध दिया। वे खुद एक संगठन थे, क्योंकि वे कई संगठनों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम करते रहे। फाइबर ऑप्टिक तार के जनक डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी का अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के बे एरिया में निधन हो गया। डॉक्टर कपानी के जाने के साथ विज्ञान का एक युग का अंत हो गया। अपने जीवन के 94 साल उन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को एक साथ बांध दिया। वे खुद एक संगठन थे, क्योंकि वे कई संगठनों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम करते रहे। डॉक्टर कपानी का नाम दुनिया के लिए एक सितारे की तरह हमेशा चमकता रहेगा।